तो आपके आप लोग के बारे में कभी सरकार कुछ सोचा नहीं है आज तक? सोचा था, फिर भी मैनेज नहीं हुआ निरा। मैनेज नहीं हुआ मतलब निरा बन नहीं पाया, बन नहीं पाया, यूज नहीं हुआ। अच्छा, ताड़ी जो होता है उतारने के लिए आप लोग इतने ऊपर चढ़ते हैं, उससे पहले क्या तैयारी करते हैं? ताड़ी ताड़ी निरा ताड़ी उतारते हैं, बेचते हैं। नहीं ठीक है, चढ़ने के लिए आप लोग क्या अपनी सेफ्टी के लिए यह लेके जाते हैं और चाकू भी लेके जाते हैं? ये आपका प्रैक्टिस रहता है कि? प्रैक्टिस रहता है। कितने सालों से उतार रहे हैं? हम 16 बरस का था तभी से उतार रहे। 16 साल। आज के डेट में कितना उम्र होगा? आज होगा 38। 38 साल हो गया। दूसरी बात, एक जैसे ताड़ी का जो सेवन किया जाता है तो आपको मालूम होगा ये सेहत के लिए नुकसान करता है? सेहत के लिए सही है, नुकसान नहीं करता, नहीं करता। जैसा कि आपने बॉडी भी पूरा बना लिया है, सीना भी पूरा निकाल लिया है, तो ताड़ी की देन है कि आप कुछ अलग से खान नहीं? इसी का देन है कि मेहनत करते हैं, खाते हैं, खाते हैं। अच्छा, तो ताड़ी पिए तो इसका भी 100 में 100 विटामिन है इसमें, 100 में 100 विटामिन है। आप भी लेते हैं? हम तो खुद पियेंगे। अच्छा, तो इनके शरीर में आपके शरीर में पूरा अंतर? ये इनका कसरत है, मेरा कसरत नहीं है। अच्छा, कसरत नहीं है आप में? आप पीते हैं सो जाते हैं? पी कर काम धंधा करते हैं, खाली सो जाएंगे तो कहाँ से कसरत भी करते हैं? कसरत ऐसा होता ही है कि कसरत हो ही जाता है। रोज चढ़ने से और उतरने से आपका एक्सरसाइज हो जाता है और आप जो है इसका? हम क्या, हम अपना खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं। जैसा कि बात हुआ कि ताड़ी जो है नुकसान नहीं करता है, तो इस मामले में अगर बच्चा भी आपका पीता है तो उसको पिलाते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं? तो उसको पिलाने का समय पर आएगा तो पिलाया जाएगा, नहीं तो नहीं पिलाया जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब समय समय मतलब कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो। अच्छा, ये बच्चे बच्चों को नहीं पिलाया जा सकता है? ना, बच्चों को नहीं। अच्छा, इसको पीने के बाद थोड़ा बहुत नशा भी चढ़ता है क्या? आप बताइए, सच्चाई बताइए, थोड़ा बहुत नशा चढ़ता है? हल्का तो इसमें अल्कोहल है ये। अच्छा, ये लेकिन ऊपर कोई फैक्ट्री नहीं है तो अल्कोहल कहाँ से आ जाता है? नहीं, अगर वो प्रक्रिया देना है मतलब वो प्राकृतिक कास्टिंग का इसमें मात्रा है, कास्टिंग इसमें मिलाया थोड़ी जाता है कुछ कास्टिंग। अच्छा अच्छा, आपके सामने उतरेगा तो कहीं ना कहीं बिहार में शराब बंद है और जिन लोगों को शराब नहीं मिलता होगा वो ताड़ी का भी जो है इस्तेमाल करते हैं? ताड़ी तो पीते हैं, सभी आदमी पीते हैं जो पीने वाले हैं। हाँ, यहाँ के नवयुवकों से बात करते हैं, कभी आपने ट्राई किया ताड़ी पीने के लिए? आप नवयुवक हैं, अब मुस्कुरा के भाग रहे हैं, इसका मतलब अब लेते हैं बताना नहीं चाहते हैं। ट्राई किए हैं, ताड़ी बहुत अच्छा चीज़ है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा चीज़ है। बाकी बहुत लोगों को मतलब डॉक्टर्स भी बताते हैं कि हाँ ये ताड़ी का सेवन करना चाहिए। जैसे आपने, जैसे आप युवा हैं तो आपने कभी इस्तेमाल किया है इसका? बहुत पहले मैं यूज किया था इसको, मतलब यूज किया था और अभी फिलहाल में नहीं करते हैं, नहीं करते बहुत हैं। पहले किया। हम दिखाना चाहेंगे आगे की प्रक्रियाएं जो है। एक हमारे मिश्रा जी हैं, आप कुछ कहना, अपनी बात रखना चाहते हैं? सब आप नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप देखते हैं कैसे उतारा जाता है और जो है आगे की प्रक्रियाएं भी दिखाते हैं। अच्छा, आप चखना भी साथ में लेके आते हैं? ऐसे थोड़ी खाएंगे। हाँ, खाने वाला एक पीने वाला चीज है, खाने वाला है, पीने वाला थोड़ी है। बैठ के लीजिए, स्वीकार करिए आराम से। यह जो है बस ये तो आप एकदम एक ही सांस में गंगा जल की तरह जो है बहुत मस्त लगा। यही पीते हैं, दारू वारू नहीं पीते हैं। बस यही कभी काल पी लेते हैं, डेली भी नहीं पीते हैं। कभी काल डेली के लिए पैसे चाहिए ना, तो कैसे मिलता है आखिर ये? 15 रुपया देंगे। अच्छा, एक जग जो है? एक जग का 15 रुपया, लेकिन जग भी तो बहुत छोटा है। छोटा है तो बड़ा कहाँ से आएगा? एक होता है बड़ा वाला जग, दो पैर छेवे ना। हाँ, दो पैर में दो दो जग हुआ, 30 रुपये का तारी में उनका पेट भर जाता है, नहीं भरता है, मगर क्या करें, बैठने से अच्छा है। यही बात है। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है बिहार में दारू जैसे पहले चलता था चलना चाहिए या बंद ही रहना चाहिए? ये बंद रहे तो अच्छा है। तो क्या आपको लगता है दाड़ी अच्छी तरह से बंद हो गया है, थोड़ी दारू जो है बंदी बिहार में है कि चलता भी है? चलता है, जो जिसको मिलता है, एक का तीन मिलता है, जिसके पास पैसा हो पीता है। जैसा कि हम लोग आ गए, मच्छर भी बहुत यहाँ पे लग रहे हैं, हम दूसरे लोगों से बात करना चाहेंगे, ये मच्छर इतना ज़्यादा क्यों आखिर लग रहे हैं? पैखाना के चलते। पैखाना चलते, एक बार विस्तार से बताइए पैखाना के चलते मतलब? पैखाना के चलते कि वहाँ का जो टंकी होता है नीचे पर कचरा पानी गिरता है वहाँ का। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि जो घरों में शौचालय सरकार बनवा रही है उसके बनने की वजह से मच्छर लगते हैं? हाँ, उसी के चलते।